हमारे उपाध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश से आए हैं माया पांडे जी, निर्मल जी, राघु बाबू, बीपी श्रीवास्तव और सारे व्यक्ति अनुपम जी सामने बैठे हुए हैं। मैं तो करीब 80% नाम जानता हूँ जो यहाँ के लोग हैं, अगर छूट जाए तो मुझे क्षमा करेंगे। आज सौभाग्य का दिन है कि अखिल भारतीय जो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के इस कॉन्फ्रेंस में मैं भाग ले रहा हूँ और आज किशोर जी और डीपी श्रीवास्तव के स्पेशली धन्यवाद देता हूँ कि आने का मौका दिया और हमको इन्होंने इन्वॉल्व किया कि इससे घुटिए भाग ले। मैं बिहार पेंशन समाज से बहुत दिनों से जुटा रहा और मैं उसमें पेंशन संबंधी बात की ओर होती थी, लेकिन आज एक व्यापक स्तर पर चर्चा आप दिन भर करेंगे इस पर अत्यंत एक खुशी का माहौल हमें महसूस हुआ और ये मैगजीन को मैंने एक झलक देखा तो झलक आ गई आपके चेहरे की। आज याद आता है बुजुर्गों के बाद की बात तो महाभारत उत्तर पर्व में लिखा गया है जिस सभा में बुजुर्ग नहीं है वह सभा अटेंड करने योग्य नहीं है। क्या तो सम्मान दिया है उन्होंने, अटेंड करने ही योग्य नहीं है जहां बुजुर्ग न हो। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक शिवखेड़ा ने कहा है कि जिस देश में नागरिक में समाज में वृद्धों का और बुजुर्गों का सम्मान न हो उसका चरित्र डाउन होता है और चरित्रवान देश का समाज नहीं कहा जाए। क्या बड़ी बात है। और मनु महाराज ने मनु स्मृति में कह दिया है कि जो वृद्धों की सेवा सम्मान करते हैं उनके उनका बल, उनका ऐश्वर्य, उनका सुख सौंदर्य सब कुछ बढ़ता है। आज इतनी विभूतियों के बाद आज हम जवाब हुए हैं और हमारे गुरुवर एस एन आर्या ने बहुत डिफाइन किया वृद्ध अति वृद्ध पर। मैं तो अति वृद्ध की एक सामायिक चीज है कि हमारे घर बदलेगा नहीं, क्योंकि इसी देश में तो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो एवरेज आओ 42 साल थी। आज देश आर्थिक प्रगति, स्वास्थ्य में प्रगति और इसके चलते आज हम करीब 70 साल करीब एवरेज आउट प्राप्त करने जा रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश है जो डॉक्टर एस एन आर्या ने कहा अथर्ववेद का उदाहरण देते हुए कि 100 साल जीना चाहिए, 100 साल जी सकते हैं लेकिन केवल मेरे हाथ में नहीं। यह एक अजीब जेनेटिक इन्वायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फेमिलियर एक अजीब कॉम्बिनेशन है जो हमारे जीवन को प्रदान करता है। आज तमाशा ये है, सोचना ये है इस परिस्थिति में हम क्या करें। क्या अपने बच्चों को हम कहें उपेक्षा करके छोड़ दिया, बंगलोर में नौकरी करता है। पाटलिपुत्र कॉलोनी में मैं सबका फिजिशियन 40 साल रहा हूँ, सारी कॉलोनी IAS ICS IPS अफसरों से भरी हुई, कोई आदमी ऑर्डरली कटेगरी में 18 कट्ठा का मकान, चर्चा रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, 20 रिटायर्ड DGP, हाईकोर्ट जजेस जब देखने जाता था अकेले बूढ़ा बूढ़ी पड़े हुए हैं, परेशान है वो, कह रहे डॉक्टर साहब आए चाय पिलाओ तो मालकिन कहते हैं नौकरवा गई बार तैयारी लिया एक आदमी नहीं है। सचे 18 कट्ठा का मकान एक आदमी नहीं। उनके लड़के कनाडा में, एक लड़की का अमेरिका में शादी हो चुकी है, अपने एक 80 साल के 78 साल के असहाय, पूरा कॉलोनी आज तो कॉलोनी बेच बेच के बन गया। तो लगता था कि क्या उनका भेजना कनाडा गलत था, क्या बंगलोर जाना गलत था, क्या उनके बच्चे जो पढ़ कर उनकी इच्छा थी हमारे बच्चे नाम पैदा करें, बड़े डॉक्टर हों, बड़े इंजीनियर हों और वो अपना नाम करें, अच्छे कमाएं, ये बाप की खुशी कितनी बात की। लेकिन आज अगर हम कोसें अपनी उस परंपरा को तो हम ही दोषी हैं, हम नहीं रोक सकते हैं। आधुनिकता के इस युग में इकोनॉमी को, अपने बच्चे को, परिवार को, विकेंद्रीकरण को हम नहीं रोक सकते हैं। ये होगा और होकर रहेगा, ये समय का डिमांड है। इस पूरे तथ्य को हमें स्वीकार करना है, तब रास्ता उतरता है कि तथ्य है। इकोनॉमिकली हम 100 साल जीना चाहते हैं, हमारी आयु बढ़ी है, हमारे बाल बच्चा प्यार करके भी हमसे दूर रहेंगे, मरने पर भी उनको 2-3 लाशें रखी रहेंगी, हवाई जहाज से पता चला कनाडा से आ रहे हैं, ये रोज होता है। और डॉक्टर होने के नाते मैं 1-2 को फनेरा रोज अटेंड करता हूँ, आश्चर्य कीजिएगा, और देखता हूँ तमाशा। तब है कि प्रैक्टिकल बात क्या है, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन आपकी ताकत और हमें पूरे अपने माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। अपनी सभ्यता संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता को दोष देते हुए, अपने न्यूक्लियर फैमिली को कठोर दंड गाली देते हुए अपने जीवन को सुख में नहीं बना सकते। आर्या साहब ने कुछ फरमा दिया परिवार के लिए कि बेटा पत्नी जिस तरह चले रास्ते पर चल दीजिए, लेकिन हमें उससे आगे बढ़कर सोचना है। फर्स्ट
माइंड सेट चेंज हो, इस चेंज ये हो हम एल्डरली नहीं हैं, हम सीनियर सिटीजन नहीं हैं, हम उतने ही ऊर्जावान हैं, उतने ही प्रोडक्टिव हैं जो देश के नौजवान हैं। नौजवान अब जो फर्क क्या, मैं उदाहरण देता हूँ, आर्या साहब ने कहा कि राजनीति से दूर रहने के बाद कुछ चर्चा की। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उम्र 78 साल, प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी 74 साल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, लीडर ज्योति बसु 90 साल चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, हरिकृष्ण सिंह सुजीत CPM 84 साल, बिंदु दुबे बिहार के चीफ मिनिस्टर 80 साल। एक समय था कि हर पार्टी का पोजीशन लेकर सारे बुजुर्ग थे, देश को नचा कर रख रहे थे। क्या उनके ऊर्जा दिमाग कम था? इसलिए हमारे बड़े होने से, बुजुर्ग होने से हमारी क्षमता घटती है, इसका सवाल नहीं है। आपकी क्षमता बड़ी है, आपकी बुद्धि, आपका अनुभव और आपके पास जो कला है, वो कला से अभी बहुत कुछ हम समाज को दे सकते हैं। अगर समाज से लिए हैं तो वक्त है समाज के देने का। बात यह है कि अपने समस्याओं से कैसे जूझें, अपने समस्याओं से इन संसारी परिस्थितियों का सामंजस्य बनाकर कैसे मुकाबला करें। याद रखिए एल्डरली पर्सन का तीन ही समस्या होती है, एक स्वास्थ्य की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हेल्थ, तब आर्थिक सुरक्षा, तब इमोशनल जो प्रॉब्लम होता है, वो तीन प्रॉब्लम होता है। हम हेल्थ बात करेंगे, जानिए हेल्थ को भी स्वीकार कीजिए, आपकी डिसेबिलिटी को। एक एल्डरली पर्सन को एक साथ अनेक विधाओं से जूझना पड़ता है, उत्सर्ग है, तकानी छपटा रही है, आँख में मोतियाबिंद है, गले में भरभराहट है, कान से सुनाई कम पड़ता है, ठेवना में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, यहाँ मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, यहाँ स्टेंट लगा हुआ है। एक साथ साथ बीमारियों के साथ भी आप रह सकते हैं और इसे बुढ़ापा में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि एक मरीज एक बीमारी सफर नहीं करता है। आप कहीं में प्लेगिया भी है, लकवा भी मारा है, आपको हार्ट अटैक भी हुआ है, आपको ठेवना में चलने की शक्ति नहीं है, आपको नजर कम आ रहा है, आपको सपोर्ट चाहिए। ये सपोर्ट मिलता है जिसको सामर्थ्य है। आर्या साहब ने कहा जो कमाते हैं वो परिवार के लिए कुछ दान देते हैं, परिवार ख्याल करता है। लेकिन हमने देखा है समाज में कुछ समाज की अपनी परंपराएं होती है, हमने कुछ समाज को देखा है, कुछ नहीं है, माँ बाप हमारे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, मर रहे हैं और लगातार बेटा पत्र हो रहा है, लगातार उनकी सेवा कर रहा है 6-6 महीना से। ये पारिवारिक संस्कार, समाज का संस्कार, देश का संस्कार अपनी सभ्यता से कुछ देती है। लेकिन हमें अपने माइंड सेट को चेंज कर इस चुनौती को सामना करने के लिए सजग और मजबूत होना पड़ेगा, और मजबूत होने के लिए दिमाग को संतुलित समग्र बनाकर और अपने को एकदम एक्टिव बनाना होगा, और हम कर सकते हैं। मैंने बताया कि कितना कुछ कर सकते हैं। आज वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े रिसर्च वर्क हैं, आज भी नोबेल प्राइज लॉरियट जितने हैं, सब एबव 75 है और मोस्टली 75। क्या बुद्धि में कम है, क्या युद्ध में हम कम है? भीष्म पितामह बाण निकालते थे तो अर्जुन को उन्होंने कहा था, अर्जुन जब तक भीष्म के हाथ में धनुष है तुम ये वार जीत नहीं सकते हो, उपाय करो कैसे मरे। जब तक भीष्म हाथ में धनुष, अर्जुन और कृष्ण दोनों का, आप ये युद्ध नहीं जीत सकते हैं, तो आपके हाथ में वो धनुष है, वो एक्सपीरियंस है, वो ब्रेन है, वो दिमाग है, आपको कोई जीत नहीं सकता है। आप महाधनी हैं, आप महाअमीर हैं, आप महाशक्तिशाली हैं। इन्हीं बातों के साथ में इमोशनल बात, मैंने इमोशनल बात टच कर दिया, इमोशन कम हो जाते हैं जब अपने मन माइंड को सार्थक और सक्रिय बनाएगा, एक्टिव, कीप ऑन एक्टिव और ट्राई टू अर्न, कुछ कमाएं, कुछ करें। हमारे पास आशियाना नगर से 4 रिटायर्ड IAS अफसर आए कि डॉक्टर आपने शिक्षा का भाषण करवाया इंदिरा सिन्हा एजुकेशन फाउंडेशन में, और शिक्षकों की कमी पर JS राजपूत नामी एजुकेशन बिहार को धज्जी उड़ा दिए, कुछ है ही नहीं है। हम लोग इतना IMPS के हैं, ये मैथ के हैं, ये केमिस्ट्री के हैं, ये इंग्लिश के हैं, इसके लिए बिहार नहीं मिल रहा है। आप हम लोग से मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से बात कराइए, हम लोग फ्री जाकर एजुकेशन देता है, हम लोग पटने में जा सकते हैं। मैंने कोशिश भी किया, मैं ट्राई नहीं किया, कहीं कहीं से तैयार आप हैं लेकिन आपके समाप्त लोग तैयार नहीं है। ऐसा नहीं कि आप खाली सेवा ले रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज देश को दे रहे हैं, समाज को दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं और देते रहेंगे, और देते रहेंगे तब तक आप ताकतवर और शक्तिशाली बनिएगा। तो इमोशन पार्ट खत्म हो जाता है, अकेला फल, तीन समस्या डिफाइन किया गया है। वह लोनली मैंने पार्टी पकड़ने के इतिहास कहा, एक आदमी का चीफ सेक्रेटरी थे, क्या कर गए थे, उनका घर खोजने में 5 मिनट लगा, पर चीफ सेक्रेटरी निकलते थे लगता था बाप रे बाप क्या तहलका मच जाएगा, और रिटायरमेंट के बाद महिला कुछ की कहाँ रहते थे बताया कोई नहीं, इसलिए वो सोशल नहीं थे, सामाजिक नहीं थे, एक DGP थे, उनका घर में घुस गए और DGP करारदार था, पूछा कि DGP साहब ये कहाँ रहते हैं,
पता नहीं कि दूसरे का मकान है। आप सामाजिक सोशल कॉन्टैक्ट बना कर रखिए, आपको समाज से बात है। लास्ट में आपकी ताकत कहाँ से आएगी? परिवार से नहीं। उस समय में आपकी ताकत आएगी अपने बंधुओं से, अपने साथियों से, बुजुर्गों से। इसलिए हमारा एक सजेशन है, हर बुजुर्ग एक दूसरे को अपना दोस्त समझे, परिवार का सदस्य समझे। आपको साथी कमी नहीं होगी, आपको ताकत की कमी नहीं होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं फिर कहता हूँ कि मैंने एक घोषणा की पेंशन समाज में। मैं चिकित्सक हूँ, थोड़ा हमारे यहाँ लाइन लगता है, थोड़ा फीस भी लगता है, लेकिन पेंशन समाज कोई व्यक्ति आवेंगे उनको 50% फीस लेस हो जाएगा। एक और उन्हें लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, दो उन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा। तीन आज मैं राजकिशोर बाबू को यही आश्वासन लेकर जाता हूँ कि आपके अधिकृत कोई भी हमारे एल्डरली आवेंगे चिट्ठी लेकर के सारी सुविधाएं प्राप्त होगी। मैं इतना ही एज ए चिकित्सक रूप में सेवा कर सकता हूँ। फीस आधी लगेगी, वेट नहीं करना पड़ेगा, पहले बुलाया जाएगा, आपको प्रणाम देखा को विदा करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सबों की ओर से डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हम लोगों के आग्रह को स्वीकार करते हुए एक तरह से आपकी सफलता है। मांग थी, अनुरोध था डॉक्टर साहब से कि फीस में कुछ कमी किया जाए, जिसमें कि हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं आपके दरवाजे पर जा सकें और आपके ज्ञान का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सहकारिता क्षेत्र